अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कॉकटेल्स के बारे में क्वेश्चंस किए, हालांकि मैं एक और सीरीज़ जो जेनेटिक्स और म्यूटेशंस हैं उन पे कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि बीच में एक वीडियो कॉकटेल की बनती है। तो कॉकटेल जो है दैट इज़ अ बर्ड ऑफ माई पैशन, और प्रॉबली बहुत कम लोग जो पाकिस्तान में बहुत शुरू से काम कर रहे हैं कॉकटेल्स पे या इंटरेस्ट रखते हैं कॉकटेल्स में, उनमें से एक मैं हूँ। और मैंने कहा कि आपको बेसिक केयर के बारे में बताऊँ कॉकटेल की। लोग रखते हैं और बस उनको दाना डालते हैं और समझते हैं कि वो बहुत अच्छा ब्रीड करेंगे, और फिर एक्सपेक्टेशन होती है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो यार कॉकटेल जो है, जैसे एग्जीबिशन बेजलिकर केयर मांगता है, इसी तरह कॉकटेल भी केयर मांगता है, और जो लोग उनकी अच्छी केयर करते हैं उनको बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिलते हैं। कॉकटेल के अंदर डिटेल में जाने से पहले, एक तो ये बड़ा खूबसूरत पेट है, तो अगर आप शोज में नहीं भी इंटरेस्टेड तो आप इसको हाथ पे बिठाएं, खेलें, घर पे दो बर्ड रख लें, अगर वो थोड़े से यूज टू हो गए हैं तो दे आर वेरी वेरी ईजी गोइंग और बड़े ही कंफर्टेबल किस्म के बर्ड्स होते हैं, और बड़ी जल्दी यूज टू भी हो जाते हैं, हल्का फुल्का विसल करना भी सीख जाते हैं। और कॉकटेल के अंदर जो सबसे वाइल्ड टाइप, नॉर्मल टाइप या कॉमनली अवेलेबल हैं, वो नॉर्मल ग्रे है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नॉर्मल ग्रे ही अच्छा नहीं मिलता, या नॉर्मल ग्रे पेयर मिल ढूंढना शुरू करें आप तो आपको हेन ही नहीं मिलेगी नॉर्मल ग्रे। बेशुमार मेल्स मिलेंगे जिनके अंदर मिक्सिंग होगी, लेकिन हेन मिलेगी नहीं नॉर्मल ग्रे कलर की। तो मैं सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नॉर्मल ग्रे बर्ड्स पे काम करें, नॉर्मल ग्रे बर्ड्स को प्रोड्यूस करें, और फिर उसके आगे वेरिएशंस और कलर्स में जाएं। लेकिन इन सब से पहले, कॉकटेल से हमारे लोकल फैंसियर क्यों भागते हैं? कॉकटेल से हमारे लोकल फैंसियर इसलिए भागते हैं कि कॉकटेल पूरा साल ब्रीड करता है, वेरी प्रोलिफिक ब्रीडर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि कॉकटेल को अगर आपने प्रॉपर केयर नहीं की और प्रॉपर टाइम पे उसको ब्रीड करने का मौका नहीं दिया, तो उसके चिक्स की मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोग गिव अप कर जाते हैं हॉबी में, और लोग कॉकटेल ब्रीडिंग से भाग जाते हैं। तो कॉकटेल के लिए बहुत ज़रूरी है कि मौसम का इंतखाब अच्छा किया जाए, अच्छे मौसम में ब्रीड कराया जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी में उसके चिक्स डिहाइड्रेट होते हैं, मर जाते हैं, और जब ये मीठा मौसम होता है लोगों को लगता है कि पेरेंट्स बच्चों से उठ गए हैं तो इसलिए वो मर रहे हैं, तो वो मीठे मौसम में जब पेयर अप करते हैं तो उसमें फंगस बहुत ज़्यादा बनती है, क्रॉप यीस्ट बहुत ज़्यादा बनती है, जिसकी वजह से बच्चे, आपने देखा होगा, स्लो क्रॉप होने की वजह से या पोटा खराब होने की वजह से मोर्टेलिटी होती है। तो इसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है, अच्छी डाइट, टाइमली ब्रीडिंग। आप अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में पेयर करें, नवंबर दिसंबर जनवरी तक बहुत अच्छा ब्रीड करेगा, फरवरी में ट्रिकी होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे अच्छे ब्रीडर जो हैं वो एक्सट्रीम विंटर में ज़्यादा अच्छी ब्रीड लेते हैं, और फिर उसके बाद प्रॉपर केयर, पानी की सफाई का ख्याल रखें और इनके फूड का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखें। मैं आपको बताऊं कि कॉकटेल की जो डाइट है उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैं आपको रेफरेंस दूंगा, हमारे एक बड़े ही फेवरेट ब्रीडर है पाकिस्तानी फैंसियर्स के, वो ओटो लुट्स हैं, उनकी बुक से ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और मैं भी आपको उसकी, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको उसकी पेजेस भी नज़र आ जाएंगे। तो एक तो जो स्टैंडर्ड एग्जीबिशन बजी का मिक्स होता है वो ज़रूर लेना चाहिए, जिसमें 30-40% कनेरी और बाकी 60% जो हैं वो डिफरेंट मिलेट्स होते हैं। तो एक आप ये ले लें, फिर उसके अलावा आप बीच में थोड़ा सा सनफ्लावर और सेफलोर, सेफलोर का मतलब है कि कुर्तम, ये ज़रूर ऐड करें डाइट के, थोड़ा सा फैट कंटेंट होना चाहिए। सनफ्लावर और कुर्तम, ये दो चीज़ें हो गई। इसके साथ आपने उसकी डाइट में जवी ऐड करनी है, और स्प्राउटेड डिफरेंट सीड, जर्मिनेटेड सीड जिसको बोलते हैं, वो ऐड करना है। और होगा ये कि ये जो सीड मिक्स आपने बनाया होगा, ये ऐसे होगा कि 30% या 40% एग्जीबिशन बजरिगर का मिक्स ले लें, 30-40% जो है वो आप कॉकटेल के लिए जो रेगुलर मिक्स बनाते हैं जिसमें सनफ्लावर और सेफलोर होता है वो ले लें। इन दोनों को आप मिक्स करें और ये आपका 60-70% बन जाएगा, ठीक है, आपकी एक डाइट का हिस्सा ये सीड बन गया, और जो दूसरा हिस्सा है वो आपके स्प्राउट्स हो गए, या जर्मिनेटेड सीड, या भीगा हुआ काले चने, ये हो गए। इसके अलावा आपके बर्ड को ग्रीन्स चाहिए। हमारे यहाँ पे ग्रीन्स का मतलब सिर्फ पालक समझा जाता है, तो भाई पालक जो है वो भी
ज्यादती में देना इज नॉट अ गुड थिंग, तो वो मुनासिब क्वांटिटी में आप स्पिनिश दें। फिर उसके अलावा आप मेथी का यूज़ करें, ठीक है, फिर सैलड लीव्स का यूज़ करें, ब्रोकली का यूज़ करें, एप्पल का यूज़ करें, फिर मकई बहुत शौक से खाता है, कॉर्न ऑन द कॉब जिसको बोलते हैं, मकई सट्टे पे लगी हुई उसका यूज़ करें। फिर उसके अलावा मिलेट स्प्रेज जो एग्जीबिशन बिजलीघर के लिए यूज़ करते हैं, वो भी कॉकटेल्स के लिए यूज़ करें। ये बड़ी अच्छी मतलब ये एक चॉइस है। फिर लिग्यूम्स दालों के जो पत्ते हैं वो यूज़ करें। फिर आप कैरेट्स लाजमी यूज़ करें, विटामिन ए में रिच होती हैं और ये फंगस और ये जो कैंडिडस की इन्फेक्शन होती है इससे बचाती हैं। इनको कद्दूकश कर लें, ग्रेटिंग कर लें और वो आप इनकी डाइट का हिस्सा बनाएं। फिर उसके अलावा आप स्पिरुलिना यूज़ करते हैं कर लें या कोई प्रोटीन पाउडर जो है वो अच्छी क्वालिटी का कोई ले लें, मतलब आपको या तो स्पिरुलिना मिल जाए या सीवीड मिल जाए वो ले लें, वो यूज़ करें। और साथ में ग्रिट मिक्सचर ज़रूर अलग पॉट में दें। स्टैंडर्ड ग्रिट आप पिजन ग्रिट भी यूज़ कर लें तो आपका बर्ड उस पर बड़ा खुश रहता है और उसको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करता है। ये तो होगी बेसिक डाइट। प्लस जो है आपने सप्लीमेंटेशन विटामिन ए डी ई और के एडक जो है वो ज़रूर यूज़ करवाएं अपने बर्ड्स को ताकि वो हेल्दी रहें और उनमें इस तरह की डिजीज़ ना पैदा हो। और उसमें जो मुझे सबसे बेस्ट सोर्स लगता है वो है मैक्सिमिक्स यूज़ कर लें या डी न्यूट्रिकल यूज़ कर लें और सॉल्वेंट डी ब्रीडर पानी में आप यूज़ करते रहें। ये चंद ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आप ब्रीडिंग सीजन से महीना पहले से यूज़ करना शुरू करें और ब्रीडिंग सीजन के एंड तक यूज़ करें। जब आपका बर्ड लेइंग पे आया हुआ है या ले कर दिया है उसने तो इनकी फ्रीक्वेंसी एवरी ऑल्टरनेट डे कर दें, वरना आप इनको डेली रूटीन में रखें, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक चीज़ें जो आपके बर्ड की डाइट का हिस्सा होनी चाहिए। प्लस विटामिन सी, मतलब आप पानी में अगर लेमन निचोड़ लें तो उससे भी आपके बर्ड को बहुत सारा फायदा होता है और वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। विटामिन ई जो है वो आप ज़रूर दें। विटामिन ई जो है वो नेक्टोन ई की फॉर्म में भी आपको मिलता है, विटामिन ई कोएको का भी आता है और भी बहुत सारी ऐसी सोर्सेस हैं जिनको जिनमें से आप विटामिन ई ले सकते हैं। वो फर्टिलिटी को एनहेंस करने के लिए बहुत अच्छा है और आप वो लें और यूज़ करें। अपने बर्ड को जो बिगेस्ट पॉसिबल केज आप दे सकते हैं वो केज दें ब्रीडिंग के लिए, और जब वो नॉन ब्रीडिंग सीजन में आए तो उनको फ्लाइट्स में रखें। तो ये है कुछ बेसिक केयर जो आपने करनी है, और ये बेसिक केयर आप करें तो इंशाल्लाह आपका बर्ड जो है वो अच्छा हेल्दी बर्ड डेवलप होगा और वो आपको प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देगा। 4 से 5 बच्चे इजीली पालेगा। नेस्ट बॉक्स की सफाई का ख्याल रखें, 2 से 3 इंच मोटा नीचे नेस्टिंग मटेरियल ज़रूर यूज़ करें। बहुत बारीक बूरा ना यूज़ करें, बहुत मोटा बूरा ना यूज़ करें, दरमियाना यूज़ करें और सफाई का खास ख्याल रखें। नेस्ट बॉक्सेस को फ्रीक्वेंटली डिसइंफेक्ट करें, पानी के बर्तन और खाने के बर्तनों को रूटीन में वीकली या ट्वाइस फोर्टनाइटली आफ्टर एवरी 2 वीक्स आप साफ सुथरा करते रहें और उससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये बेसिक केयर है कॉकटेल की। और अब जब हम आगे चलेंगे तो मैं नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर बेसिक म्यूटेशन ऑफ कॉकटेल्स और उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं और क्या फीचर्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे, और मैं आपको अपनी कॉकटेल की फ्लाइट्स और कुछ केजेस दिखाऊंगा ताकि आप उनसे लर्निंग ले सकें, ठीक है। इसके अलावा कॉकटेल में ये बात याद रखिएगा कि इट्स अ ब्यूटिफुल बर्ड, दो इट नीड्स लॉट ऑफ केयर एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द बर्ड, मतलब रिंगनेक की तरह नहीं है, आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी। इसको एक रीजनेबल डिसेंट केज दें। अगर आपने एक पेयर या दो पेयर भी रखने हैं तो कम से कम 2x2x3 का केज एक पेयर के लिए होना चाहिए। आइडियली जो है वो पाकिस्तान में जो रिंगनेक के लिए यूज़ करते हैं वही कॉकटेल के लिए यूज़ होना चाहिए। तो इट्स अ ब्यूटिफुल बर्ड, वेरी जेंटल और बहुत ही अच्छा टेम्परामेंट रखने वाला बर्ड है। और कोशिश ये होगी कि हम आने वाले टाइम्स में मैं अगले 2-3 दिनों के अंदर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको कॉकटेल्स की म्यूटेशंस और उनकी क्वालिटीज़ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ और थोड़ी सी पेयरिंग्स के बारे में बताऊँ कि रिकमेंडेड पेयरिंग्स कॉकटेल्स की कौन सी और हमें उनको कैसे केयर करना पड़ेगा। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस तो बताऊँगा ही बताऊँगा, इसके अलावा हम ये जो बुक है हम इसको साथ में रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे और मैं आपको इसके पेजेस अपने लेक्चर्स में दिखाता भी रहूँगा और उनके अंदर जो कंटेंट है वो हम एक्सप्लेन करते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो
स्टे ट्यून्ड, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. इंशाल्लाह अ गुड एंड अ वेरी लर्निंगफुल एक्सपीरियंस इज कमिंग अहेड. तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. सी यू वेरी सून. बाय बाय.